उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर होना और एनकाउंटर को फर्जी बताना कोई नई बात नहीं है, इसको लेकर सियासत होती रहती है। लेकिन अब एनकाउंटर्स को लेकर जिस तरह से आए दिन विवाद हो रहा है उसको देखते हुए यूपी पुलिस के मुखिया ने चिट्ठी जो है वो यहाँ पर यूपी में जो कप्तान है पुलिस के उनको लिखी है। और इस चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा है, एनकाउंटर को लेकर क्या चल रहा है, हमारे संवाददाता रणवीर की खास रिपोर्ट में देखिए। काम कर रहे हो तुम, ये सब फर्जी एनकाउंटर है। डकैत को जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो। 7.5 साल, सैकड़ों एनकाउंटर, 210 अपराधी ढेर, सैकड़ों घायल, हजारों सलाखों के पीछे, ये आंकड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में एनकाउंटर्स से जुड़े हैं। हाल ही में सुल्तानपुर में हुई डकैती के मामले में आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर में मारा जाना हो या फिर बहराइच की हिंसा में एनकाउंटर के बाद आरोपी का गिरफ्तार होना, यूपी में बीते 7.5 सालों में ज्यादातर एनकाउंटर से जुड़े मामलों में विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। इसी वजह से यूपी के DGP प्रशांत कुमार ने एक दिशा निर्देश जारी कर एनकाउंटर से जुड़े मामलों में यूपी पुलिस को ज्यादा सचेत रहने को कहा है। एनकाउंटर्स को लेकर DGP की तरफ से सभी पुलिस कप्तानों को जारी किए गए पत्र के मुताबिक इनमें मारे गए अपराधी का पोस्टमार्टम 2 डॉक्टर्स का पैनल करेगा। मौका वारदात पर FSL को भेजकर उसकी रिपोर्ट को जांच में शामिल किया जाए, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जरूर कराई जाए। पुलिस कार्रवाई के बाद की जांच थाने की जगह क्राइम ब्रांच जैसी दूसरी इकाई करे। मृतक के परिजनों को समय पर सूचना दी जाए। एनकाउंटर्स के बाद पुलिस के हथियारों को सरेंडर करा के उसकी भी जाँच कराई जाए। अपराधी के हथियारों का बैलिस्टिक परीक्षण कराया जाए। घायल पुलिस वालों और अपराधी का मेडिकल टेस्ट जरूर हो। अब ये नियम अभी बनाए गए हैं या पहले से मौजूद हैं, ये समझने के लिए हमने बात की यूपी के पूर्व DGP AK जैन से। यूपी के DGP श्री प्रशांत कुमार के द्वारा हाल ही में मुठभेड़ों के लिए कुछ गाइडलाइंस निर्गत की गई हैं जो कि सर्वथा उपयुक्त हैं। इनमें से बहुत सी गाइडलाइंस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने समय समय पर निर्गत की हैं। उन्होंने एक स्थान पर इनको एकत्र कर दिशा निर्देश के रूप में जारी किया है। उत्तर प्रदेश के DGP रहे विक्रम सिंह यूपी में होने वाले एनकाउंटर्स को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर हमने उनसे भी बात की। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत किए गए हैं और इनमें जो विभिन्न दिशा निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और शासन के द्वारा समय समय पर जितने भी निर्देश दिए गए थे उनको संकलित करके दोबारा इसलिए प्रेषित किया गया है क्योंकि 5 सितंबर इसी वर्ष जौनपुर जनपद में मंगेश यादव नामक व्यक्ति मुठभेड़ में मारा गया था, जिसको लेकर के पुलिस और प्रशासन की कड़ी आलोचना, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था। यूपी में विकास दुबे से लेकर अतीक अहमद के बेटे असद तक और गौरी यादव से लेकर मंगेश यादव तक, ऐसे न जाने कितने एनकाउंटर्स हुए जिसमें अब तक 210 अपराधी ढेर हो चुके हैं। बीते 7.5 सालों में 12,000 के आसपास एनकाउंटर्स में 17 पुलिसकर्मी शहीद हुए, सैकड़ों घायल हुए। लेकिन स्थिति ये है कि आज भी जब एनकाउंटर होता है तो उन एनकाउंटर्स पर सवाल जरूर खड़े किए जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है और सोचिए कैसा दिमाग इनका, सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई कि चप्पल में एनकाउंटर कर दिया। बताइए आप कैसा दिमाग है इन लोगों का। अभी तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं या एनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज्यादा PDA परिवार के लोगों की हत्या की सरकार ने। जब उनके किसी एक माफिया सागृत को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया,
जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है। वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? एनकाउंटर्स को लेकर सबके अपने अपने तर्क हैं। विपक्ष इनको फर्जी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा, वहीं सत्ता पक्ष कहता है कि अपराधी जब फायर करेगा तो पुलिस उन पर फूल थोड़ी न बरसाएगी। ये जो आदेश आया है ये आना ही था, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे थे और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने भी बताया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत प्रेशर में है और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस का राजनीतिकरण हुआ है उस वजह से इनकाउंटर्स पे सवाल उठते हैं। कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहलाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है, वो चाहे मरे जिंदा या मुर्दा उनको पकड़ना है। फिलहाल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह और पुलिस की कार्रवाई अपनी जगह। यूपी पुलिस ठीक से जानती है कि एनकाउंटर के मामलों में थोड़ी भी हिलाहवाली हुई तो वो कोर्ट में फंस सकती है। इसी वजह से यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने दिशा निर्देश जारी करके पुलिस वालों को ज़्यादा सतर्क और सचेत रहने को कहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया।